बसपा सरकार में पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे विनोद सिंह ने आखिरकार भाजपा का दामन थाम लिया है। हालांकि वो लंबे अरसे से भाजपा के करीब थे, लेकिन यह रिश्ता दिल मिलने तक का था। लेकिन विनोद सिंह अब दिल और दल दोनों से भाजपाई हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से ताल्लुक रखने वाले विनोद सिंह साल 2007 में लम्हुआ विधानसभा सीट से पहली बार बसपा के टिकट पर विधायक और सरकार में पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने थे। विनोद सिंह ने साल 2012 और 2017 में भी किस्मत आजमाई, लेकिन कामयाब नहीं हुए। बावजूद इसके सियासी हलके में उनकी सक्रियता और प्रभाव कायम रही। बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा सांसद मेनका गांधी का खुला समर्थन किया था। बहरहाल चर्चा ये ज्यादा रही कि सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह सोनू को हराने में मेनका गांधी का साथ दिया था। फिलहाल लोकसभा चुनाव से शुरू दिल लगी अब नया मुकाम हासिल कर चुकी है। विनोद सिंह ने लाव लश्कर के साथ राजधानी लखनऊ में कमल के फूल को थाम लिया। उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर भाजपा के कई कद्दावर नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि विनोद सिंह को सियासत विरासत में मिली है। इनके पिता केदारनाथ सिंह की कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में गिनती होती थी। जब बसपा की सरकार थी तब विनोद सिंह ने अपने भाई अशोक सिंह को MLC बनाया था। अब फिर MLC चुनाव करीब है, विधानसभा चुनाव उससे कुछ दूर है। ऐसे में विनोद सिंह की सियासी चाल किस पर भारी पड़ेगी, इसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई है। क्योंकि विनोद सिंह सियासत के उस खिलाड़ी का नाम है जिसका निशान आमतौर पर खाली नहीं जाता। NTTV भारत के लिए सुल्तानपुर से निसार अहमद की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।